राजधानी लखनऊ में 32 निवेशकों को 1300 करोड़ का प्रोत्साहन लाभ वितरण के साथ ही विभिन्न कंपनियों को LOC वितरण का कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। बता दें कि यह कार्यक्रम अपनी नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विभिन्न औद्योगिक समूहों ने अपने CSR फंड का उपयोग उत्तर प्रदेश के हित में किया। वही इन उद्योगों के लगने से विकास की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है और कई अन्य सकारात्मक बदलाव भी हुए हैं। इस दौरान CM योगी ने उत्तर प्रदेश पर भरोसा जताने के लिए निवेशकों का आभार भी जताया। हर तीसरे महीने उद्यमियों के साथ बैठक, मुख्य सचिव स्तर पर, जनपद स्तर पर तो हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हर महीने उद्योग व्यापार मंडल के साथ बैठक करे, उनकी समस्या का समाधान जो स्थानीय स्तर पर होना है उसका स्थानीय स्तर पर समाधान करें, जो स्थानीय स्तर पर संभव नहीं हो सकता जो शासन के पास भेजना है तत्काल भेजें और शासन स्तर पर स्वयं संपर्क करके उसके समाधान का रास्ता निकालें। लेकिन राज्य स्तर पर भी यह बैठक का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ेगा, कहीं कोई समस्या किसी भी स्तर पर नहीं आएगी, लेकिन हम सबको भी उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आप लोग तैयार करेंगे तो सरकार भी आपके साथ, अगर आप 10 कदम चलेंगे तो सरकार 100 कदम चलने को तैयार है। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से हम लोग आज उत्तर प्रदेश को अगर इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में सफल हुए हैं तो कोई कारण नहीं। उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने में हम सब सफल न हो, मैं एक बार फिर से इंसेंटिव प्राप्त करने वाले सभी उद्यमियों को, जिन्हें लेटर ऑफ कंफर्ट यहां पे आज जारी किया गया है नए उद्यम स्थापित करने के लिए, उन सबको भी मैं साथ साथ यहां पर आए हुए अन्य सभी उद्यमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं।